हेलो फ्रेंड्स, ये है आईटीसी लिमिटेड 12 महीने का चार्ट। 12 महीने में इस कंपनी ने क्या किया, तो 7.31% का एप्रिसिएशन है यहां से आज तक। और यही पीरियड में निफ्टी का परफॉर्मेंस अगर हम देखा जाए तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी बढ़ा है 41.82% और आईटीसी बढ़ा है 7.31%, ये आप यहां पे देख सकते हैं। तो आईटीसी का प्रदर्शन जरा भी अच्छा नहीं रहा निफ्टी के मुकाबले। नीचे पहले तो ज्यादा चला गया और वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, पर ऊपर नहीं आ पाया है। अब इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने की कि लॉन्ग टर्म में आईटीसी ने क्या किया, वो हमको सबसे पहले देखना चाहिए। कोई भी टिप आती है, कोई भी वीडियो हम देखते हैं और उसमें कहा जाता है कि ये स्टॉक 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तो हमें पहले एक बार हिस्ट्री देख लेनी चाहिए कि इस स्टॉक ने क्या किया। तो देखिए, ये है 2014 जनवरी की प्राइस आईटीसी की, और वही टाइम पे निफ्टी इतना था, और ये है आज की प्राइसेस और आज का इंडेक्स। देखिए, 215 का आईटीसी आज 7.5 साल के बाद भी नीचे है, यानी कि 4% की कटौती हुई है आईटीसी के लेवल्स में। और उसी पीरियड में निफ्टी है 2.48 टाइम्स, यानी कि निफ्टी हो गया 2.5 गुना, और 148% का एप्रिसिएशन है निफ्टी में। अच्छा, अभी और ये देख लेते हैं कि 1/1/2020 से क्या हुआ। तो 1/1/2020 से 13% का रिडक्शन आईटीसी में और निफ्टी में 28% का एप्रिसिएशन। तो लॉन्ग टर्म में तो ये ना ही मल्टीबैगर रहा है, उसके पहले का हम नहीं देख रहे हैं। करंट सिचुएशन में भी अगर हमको लॉन्ग टर्म देखना है तो 7.5 साल तो काफी सफिशियंट ही है। यहां से एक अच्छी तेजी की शुरुआत हुई थी 2014 से, और बाद में हमने एक यहाँ पे एक वेरी फास्ट बेरिश पीरियड भी देख लिया जनवरी से मार्च के लॉकडाउन तक, और फिर बढ़िया रैली भी हमने देखी है। तो आईटीसी हैज नॉट बीन अ मल्टी बैगर। अभी देखते हैं कि 12 महीने में ये चार्ट रहा है। यहाँ पर हम पिछले कई दिनों से देखें तो एक हायर टॉप बनने के बाद लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, तो प्राइसेस लगातार कंटिन्यूस लोअर टॉप बना रही है, और प्राइसेस को ऊपर जाने में हर बार नीचे आने के बाद में ऊपर ज्यादा नहीं जा पा रही है, ऊपर जाने में मुश्किल हो रही है। और इसका एक सपोर्ट लेवल अगर हम देख लें तो देखें, जहां पर ये पिछले 6 महीने से टच नहीं हुआ, नीचे 6 या 8 महीने से, वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो 200 का ये जो सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं हुआ है पिछले 6 महीने में। आ जाते हैं कि 6 महीने के चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए, पिछले 6 महीने में 200 के सपोर्ट ने एक बार सपोर्ट दिया है, यहां भी उसके ऊपर से ही वापस प्राइसेस ऊपर चली गई, और 200 का प्राइस लेवल टूटा नहीं है। सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रेडर्स का माइंडसेट छुपा होता है कि भाई 200 के लेवल पे 6 महीने से नीचे नहीं गया, हर बार ऊपर गया है, तो अगर 200 टूटता है तो ज्यादा तेजी से नीचे जाने की संभावना होती है, ये एक माइंडसेट होता है। 2 महीने का चार्ट ले लेते हैं। अभी प्राइस है 206, यहां से कंटिन्यूस नीचे आने के बाद 3 या 4% ऊपर गया 201 से, और अभी एक 0.5% का बेरिश कैंडल बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली 200 लेवल्स को टेस्ट करेगा। वॉल्यूम्स का भी इतना कुछ साथ नहीं है आईटीसी को, यानी कि वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। जब भी प्राइसेस ऊपर गई है 3 बार, तो थोड़े बड़े कैंडल्स हम देख सकते हैं। ओवरऑल वॉल्यूम्स डाउन है, मतलब इंटरेस्ट कम हुआ है ये स्टॉक में लोगों का। मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 के नीचे जाएगा। थैंक यू।